लॉकडाउन के कारण इस बार लगन का सीजन खाली चला गया। हजारों शादियां जो मार्च से मई तक होनी थी सब रद्द हो गई। इसके चलते बारात घर, टेंट हाउस वाले, बैंड बाजे वाले और हलवाई सब खाली बैठे हुए हैं। नरेला में साफियाबाद मोड़ पर स्थित जॉनी फॉर्म बैंकेट हॉल के मालिक पवन खत्री ने बताया कि इस सीजन में 15 मार्च से 2 मई के बीच उनके यहाँ 45 शादियों की बुकिंग थी, लेकिन सब कैंसिल करनी पड़ी। एक बुकिंग अक्षय तृतीया को भी थी, वो भी कैंसिल करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ क्रॉकरी के सामान और लॉन की बुकिंग 2 से 2.31 लाख रुपए में होती है। इस सीजन में उनका भारी नुकसान हुआ है। सरोजनी नगर स्थित कोहिनूर टेंट के मालिक फैजल ने बताया कि सीजन उनके पास 15 शादियों की बुकिंग हुई थी, लेकिन सब कैंसिल हो गई। अब किराए के घर में चल रहे टेंट हाउस का किराया, मजदूरों का खर्च निकालना मुश्किल है। सरोजनी नगर के ही एक टेंट मालिक ने बताया कि उनका टेंट और बैंड का काम लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा है। अब 1 नवंबर के पहले उनके पास कोई बुकिंग नहीं है। वहीं यूसुफ सराय के हलवाई ने बताया कि मार्च और अप्रैल में उनके पास 8 शादियों की बुकिंग थी, लेकिन सब कैंसिल हो चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली भर में 104 आर्य समाज मंदिर है, जहां पर लगन के सीजन में आए दिन शादियां होनी थी। मयूर विहार फेज 1 स्थित आर्य समाज मंदिर की कार्यकर्ता ने बताया कि अक्षय तृतीया पर लगभग हर मंदिर में शादियां होती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण मंदिरों को बंद कर दिया गया है। कोमल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesi.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।